हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में अपने 7.2 के दो क्वेश्चन कर लिए। आज हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे के फर्स्ट पार्ट में दिया cos इनवर्स 4x³ - 3x। यहां पर सॉल्यूशन में पहले क्या करते हैं, y के इक्वल मानते हैं जो भी दिए, तो माना y इक्वल cos इनवर्स 4x³ - 3x। y इक्वल क्या मान लिया, ये पूरा फंक्शन cos इनवर्स 4x³ - 3x। अब यहां पर ये क्वेश्चन किस बात पर निर्भर होते हैं, x की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। x की वैल्यू क्या पुट करेंगे कि यहां पर भी हमारे पास cos में एक फंक्शन आए और cos इनवर्स cos x क्या बन जाता है हमारा x। तो यहां पर माना x इक्वल cos थीटा, क्योंकि यहां पर फिर बनेगा 4x cos की क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और ये किसका फॉर्मूला होता है, cos 3 थीटा। तो यहां से थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x। तो थीटा इक्वल cos इनवर्स x, तो y इक्वल cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो y इक्वल cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, cos 3 थीटा। cos इनवर्स cos x इक्वल में x, तो y इक्वल कितना आ गया 3 थीटा। थीटा की वैल्यू पुट करते हैं cos इनवर्स x, तो y इक्वल 3 cos इनवर्स x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx 3 cos इनवर्स x, ये यहां पर 3 cos इनवर्स x। तो अब यहां से 3 हमारा इसमें कांस्टेंट वैल्यू है, अचर वैल्यू है, तो 3 d/dx cos इनवर्स x और d/dx cos इनवर्स x क्या होता है, माइनस 1/√1 - x2। तो कितना आ गया, माइनस 3/√1 - x2 dy/dx। सिर्फ x के सापेक्ष अवकलन ही करना, सिर्फ एक इस बात पर निर्भर करेगा x की वैल्यू पर। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट, cos इनवर्स √1 + x/√2। बी पार्ट देखते हैं इसका, cos इनवर्स √1 + x/√2, पूरे के ऊपर ये रूट लगा हुआ। तो माना y इक्वल cos इनवर्स √1 + x/√2। अब यहां पर x की वैल्यू इस प्रकार से पुट करनी है कि हमारा क्वेश्चन यहां पर ये ब्रैकेट वाला किसमें आए, cos में। तो माना x इक्वल cos थीटा, तो यहां से थीटा इक्वल क्या आएगा, cos इनवर्स x। ये प्रॉपर्टी हमने इस प्रकार की हुई है सेकंड चैप्टर में। तो y इक्वल cos इनवर्स √1 + cos थीटा / √2। 1 + cos थीटा, एक हमने फॉर्मूला दिया हुआ है cos 2 थीटा इक्वल में 2 cos² θ - 1। इस प्रकार के फॉर्मूले दिए हुए, तो यहां पर 1 + cos थीटा है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 cos² θ / √2। इस फॉर्मूले से बनेगा। तो यहां से अगर देखें तो क्या बनेगा, हमारे पास माइनस का 1 x साइड है, प्लस का, तो 1 + cos² θ इक्वल में 2 cos² θ। अगर थीटा की वैल्यू θ/2 ले तो क्या बनेगा, 1 + cos² θ/2 इक्वल में 2 cos² θ/2। 2 से 2 कैंसिल, तो 1 + cos θ। 1 + cos θ का क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos² θ/2। ये हमने पहले भी किए सेकंड चैप्टर में।
तो यहां से इसकी वैल्यू रखते हैं, तो y इक्वल cos इनवर्स रूट टू cos स्क्वायर थीटा अपॉन में टू, और अपॉन में इसकी क्या दिया है टू, टू से ये टू कैंसल, तो y इक्वल cos इनवर्स रूट cos स्क्वायर थीटा अपॉन में टू, रूट में है cos स्क्वायर थीटा अपॉन में टू, रूट से बाहर निकालते हैं तो y इक्वल cos इनवर्स cos थीटा अपॉन में टू। अब cos इनवर्स cos x बन गया, cos इनवर्स cos x हमारा क्या होता है x, तो y इक्वल क्या आ गया थीटा अपॉन में टू, थीटा की वैल्यू रख देते हैं तो y इक्वल cos इनवर्स x अपॉन में टू। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका अवकलन करेंगे dy ओवर dx इक्वल में d ओवर dx cos इनवर्स x अपॉन में टू, 1 बाय 2 यहां पर अचर पद हो गया, तो 1 बाय 2 d ओवर dx cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का हमें अवकलन पता है तो क्या आता है 1 बाय 2 माइनस 1 अपॉन में रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो क्या आएगा dy ओवर dx इक्वल में माइनस 1 अपॉन में 2 रूट 1 माइनस x की, तो माइनस 1 अपॉन में 2 रूट 1 माइनस x की। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हमारा सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ ये सेकंड क्वेश्चन दिया है, दोनों में ही इसमें फर्स्ट में तो आप इस प्रकार से ये क्वेश्चन फोर्थ का एक बार तो देख लेते हैं। फोर्थ के ए पार्ट में हमें दिया है सेकंड वर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस, और x इसमें बिलोंग्स कर रहा है 0 से 1, x बिलोंग्स कर रहा है 0 से 1। तो यहां पर पहले तो y इक्वल मानते हैं इस फंक्शन को, माना y इक्वल cos sec इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पर जो x की आप वैल्यू पुट करोगे वो वैल्यू इस प्रकार से पुट करनी है कि यहां पर अपॉन में cos आएगी और 1 अपॉन cos हमारा क्या बनेगा sec बन जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पर माना एक फॉर्मूला होता है हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और वो किसके इक्वल होता है cos 2 थीटा, तो अपने आप ही ये cos में चेंज हो जाएगा 1 upon cos, और 1 upon cos क्या होता है sec, तो माना x इक्वल cos थीटा, तो थीटा इक्वल cos इनवर्स x, x की वैल्यू पुट करते हैं y इक्वल sec इनवर्स 1 upon 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो y इक्वल sec इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा, 1 upon cos थीटा क्या है sec थीटा, तो 1 upon cos 2 थीटा है sec 2 थीटा, y इक्वल क्या है sec इनवर्स sec 2 थीटा, sec 2 थीटा, sec इनवर्स sec x क्या होता है x, तो y इक्वल कितना आ गया 2 थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो y इक्वल 2 cos इनवर्स x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy ओवर dx, d ओवर dx 2 cos इनवर्स x, 2 यहां पर अचर है तो ये आ गया इसमें 2, d ओवर dx cos इनवर्स x, तो d ओवर dx cos इनवर्स x का हमें पता है 2 माइनस 1 अपॉन में रूट 1 माइनस x की, 1 माइनस x की, तो कितना आ गया माइनस 2 अपॉन में रूट 1 माइनस x की dy ओवर dx। यहां पर x की वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू पुट करने के बाद ये cos में चेंज हो गया और 1 अपॉन cos क्या होता है sec। नेक्स्ट
cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। तो इसके जैसा क्वेश्चन आपको पहले भी करवाया जा चुका है, सेकंड का बी पार्ट अभी किया था हमने लास्ट लेक्चर में किया था cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x। तो ये क्वेश्चन उसी तरीके से आप खुद करो। नेक्स्ट पांचवे का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्या दिया इसमें साइन इनवर्स पांचवे का फर्स्ट पार्ट है, साइन इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर साइन इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर। ये इसकी हमें वैल्यू भी आपको करनी है। तो देखो इसमें y के इक्वल मान लेते हैं, इस इक्वेशन में y इक्वल sin इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू को थीटा मान लेते हैं, माना 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल थीटा। इसको पूरे को क्या मान लिया हमने थीटा। तो y इक्वल क्या क्या sin इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा, sin इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा। तो अब यहां पर हमें पता है क्योंकि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल किसके होता है y / 2 के। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल किसके होता है y / 2 के। तो sin इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा y इक्वल क्या है यहां से y / 2। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy ओवर dx पाई बाई 2, और पाई बाई 2 अगर पता है इसका अवकलन कितना आएगा 0। तो dy ओवर dx यहां से हमारे पास कितना आ गया 0। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। नेक्स्ट इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में दिया cos इनवर्स 2x cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। ये दिया है हमें। तो सॉल्यूशन में माना y इक्वल cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो यहां पर इसको 2x को लेट कर लेते हैं, माना 2x इक्वल cos थीटा। 2x को क्या लेट कर लिया हमने cos थीटा। 2x इक्वल cos थीटा रखने पर ये हमने माना है हम। तो y इक्वल cos इनवर्स 2x तो cos थीटा प्लस 2 cos इनवर्स इसको यहां पर 4x स्क्वायर है। इस प्रकार से कितने हैं 2x की होल स्क्वायर। ये एक लाइन और यहां पर अलग से लिख लोगे 2x की वैल्यू हमने क्या मानी है cos थीटा। तो ये क्या बनेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 2x की वैल्यू cos थीटा है, cos थीटा की होल स्क्वायर तो cos स्क्वायर थीटा। तो y पर cos इनवर्स cos थीटा यहां पर क्या आ गया हमारा थीटा, क्योंकि cos इनवर्स cos x इक्वल किसके होता है x की। ये हमारी प्रॉपर्टीज की हुई है सेकंड चैप्टर। तो थीटा प्लस 2 cos इनवर्स 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा इक्वल होता है
तो y इक्वल थीटा प्लस 2 cos इनवर्स sin स्क्वायर थीटा है, उससे बाद क्या आएगा sin थीटा, cos इनवर्स है यहां पर sin थीटा, तो sin थीटा किसके इक्वल होता है cos pi / 2 माइनस थीटा, तो y इक्वल थीटा प्लस 2 cos इनवर्स cos pi / 2 माइनस थीटा, cos pi / 2 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो y इक्वल थीटा प्लस 2 cos इनवर्स cos इनवर्स cos x x ही हो गया, तो 2 into pi / 2 माइनस थीटा, तो 2 into pi / 2 माइनस थीटा। अब यहां से अगर यहां से थीटा की वैल्यू लेते हैं, पहले थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, दोनों तरफ cos इनवर्स लेते हैं, दोनों तरफ क्या रहेगी cos इनवर्स, तो cos इनवर्स 2x इक्वल में cos इनवर्स cos थीटा, cos इनवर्स cos x इक्वल में क्या होता है x, तो थीटा इक्वल यहां से क्या आ जाएगा cos इनवर्स 2x, ये इसको प्रूव करते हैं y इक्वल सॉल्व करेंगे, तो y इक्वल थीटा प्लस 2 into pi by 2, फिर 2 का थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल, तो y इक्वल थीटा माइनस 2 थीटा, कितने रहेंगे पाई माइनस थीटा, प्लस का 1 थीटा है माइनस के 2 थीटा है, तो माइनस का 1 थीटा रहेगा, तो थीटा का मान रख देते हैं अभी यहां पर, तो पाई माइनस थीटा की वैल्यू देती है cos इनवर्स 2x, cos इनवर्स 2x, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy ओवर dx d ओवर dx पाई माइनस cos इनवर्स 2x, अलग अलग इनका अवकलन करते हैं तो d ओवर dx पाई माइनस d ओवर dx cos इनवर्स 2x, पाई का तो अवकलन कितना आ जाएगा, यहां तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्या लिखा था 2x की होल स्क्वायर, ठीक है, तो आप देखो यहां पर पाई का अवकलन हमारे पास क्या हो जाएगा 0, तो dy ओवर dx इक्वल में पाई का अवकलन 0, फिर माइनस cos इनवर्स x क्या होता है माइनस 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू यहां पर कितनी है 2x की स्क्वायर, फिर d ओवर dx x का अवकलन किया यहां पर कितना था 2x, तो 2x का वापस अवकलन होगा, तो कितना आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल में माइनस इनटू माइनस प्लस 1 अपॉन रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, और 2x का अवकलन 2 यहां पर आ रहा है, ये तो आगे आ जाएगा इसमें, और dx ओवर dx यानी x का अपॉन 1 हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 अपॉन में dy ओवर dx 2 अपॉन में रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे, बाकी इसके क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में।